नेक्स्ट टॉपिक है कोशी स्क्वार इन इक्वालिटी कोशिश स्क्वार इन इक्वालिटी क्या होती है इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि वी आपको कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है देन अकॉर्डिंग टू कोशी स्क्वायर्स इन इक्वालिटी मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज लेस देन इक्वल टू नोम ऑफ यू इन टू नोम ऑफ वी फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू वी कोशी स्क्वार इन इक्वालिटी के अकॉर्डिंग किन्हीं दो वैक्टर का जो इनर प्रोडक्ट करके अगर उसका मोडलस निकालते हैं वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा यू का नोम इन में वी का नोम जहां ये यू और वी हमने वेक्टर स्पेस से दो वेक्टर लिए इसका प्रूव करते हैं इसमें केसेस बनाते हैं केस फर्स्ट इफ यू इज इक्वल टू जीरो अगर हम यू की वैल्यू क्या ले लें जीरो क्योंकि जीरो भी तो क्या है एक वेक्टर है और ये वेक्टर स्पेस में बिलोंग करेगा Then, left hand side consider करते हैं। यू वी का पहले इनर प्रोडक्ट निकालते हैं जीरो प्रोडक्ट की डेफिनेशन के अंदर इनर प्रोडक्ट की सॉरी प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर हम जीरो की वेक्टर स्पेस के किसी भी एलिमेंट के साथ में इनर प्रोडक्ट निकालते हैं वो हमेशा जीरो आती है तो यू की वी के साथ में इनर प्रोडक्ट क्या आएगी जीरो आएगी इफ हम यू की वैल्यू क्या लेते हैं जीरो अगर इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मॉडुलस क्या होगा जीरो का मॉडुलस इज जीरो तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमें जीरो मिल गई अब नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ यू का मीन स्क्र रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू u तो जीरो की वैल्यू जीरो के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो स्क्वेयर रूट भी जीरो होगा u का नॉर्म क्या आ गया जीरो तो नॉर्म ऑफ u इंटू में नॉर्म ऑफ v क्या आएगा जीरो तो इन दोनों से हम क्या देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ u एंड v सॉरी मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ u एंड v u के v के साथ जो इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस है वो इक्वल आया है जीरो के और जीरो इक्वल है ऑफ ऑफ तो इस केस के अंदर हम देखते हैं द होल्ड्स जीरोक्वालिटी टू जीरो क्योंकि इन इक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन है तो इक्वल वाली कंडीशन होल्ड कर जाती है सिमिलरली अगर हम वे की वैल्यू जीरो कंसिडर करते हैं तो भी इन इक्वालिटी क्या करेगी होल्ड करेगी सिमिलरली द इन इक्वालिटी ऑल्सो होल्ड इफ इक्वल टू जीरो अगर यू और वी में से कोई भी एक जीरो हो जाता है तो इन होल्ड कर जाएगी ये तो था केस फर्स्ट इफ आइदर यू इज इक्वल टू जीरो और वी इक्वल टू जीरो सेकेंड केस कंसिडर करते हैं वेन यू नॉट इक्वल टू जीरो जब यू है वो जीरो के इक्वल ना हो अगर u जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका नोम भी जीरो के इक्वल नहीं होगा मान के चलो कि यू का नॉम है वो जीरो के इक्वल है अगर यू का के इक्वल होगा इसका मीन स्क् रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू इज इक्वल टू जीरो दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे मीन यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा जीरो बाय सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ में इनर प्रोडक्ट जीरो आता है तो वो वेक्टर क्या होता है जीरो तो हमने क्या देखा कि हमने यू की वैल्यू नॉन जीरो ली और हम ये लेके चले कि u का नाम क्या आ रहा है जीरो आ रहा है अगर u का नोम जीरो आ रहा है तो u भी क्या आना चाहिए जीरो तो हमें यहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्शन मिल रही है कॉन्ट्राडिक्शन कब मिली जब हमने कंसीडर किया कि u का नॉम क्या है जीरो इसका मीन u का नॉम क्या होगा नॉन जीरो तो कोई भी वेक्टर अगर नॉन जीरो है तो उसका नॉम भी क्या होगा नॉन जीरो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करवाने के लिए सेकेंड केस के अंदर जब u की वैल्यू नॉन जीरो ले रहे हैं उसके लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा w w वैल्यू डिफाइन करते हैं v माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ v विद u इनटू में u अपॉन में नॉर्म ऑफ u का स्क्वायर ये वैल्यू हम डिफाइन करेंगे गिव जो इनइक्वालिटी हमें प्रूव करनी है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं w की u के साथ इनर प्रोडक्ट W की वैल्यू है V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू इनटू में यू अपॉन में नोम ऑफ यू का स्क्वायर विद यू W की यू के साथ नोम सॉरी इनर प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले वी की यू के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी एंड यू यू अपोन में नोम ऑफ यू का स्क्वायर विद यू इस वैल्यू की यू के साथ ही इनर प्रोडक्ट वी की यू के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस हमें पता है कि फर्स्ट वेक्टर के साथ में क्या चीज मल्टीप्लाई है वी और यू की इनर प्रोडक्ट हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की अगर हम दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो एक स्केलर वैल्यू देता है तो यह भी एक स्केलर है और नोम भी किसी वेक्टर का स्केलर वैल्यू ही होती है तो अगर किसी वेक्टर के साथ में फर्स्ट वेक्टर के साथ में कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज उसी फॉर्म में बाहर आ जाएगा तो बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद यू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू अपॉन में नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर यू की यू के साथ में जो इनर प्रोडक्ट है के साथ इनर प्रोडक्ट होगी नोम ऑफ यू का स्क्वायर नोम ऑफ यू के स्क्वायर से नोम ऑफ यू का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा वी का इनर प्रोडक्ट विद यू माइनस वी का इनर प्रोडक्ट विद यू तो ये हो जाएगा जीरो हमने जो डब्ल्यू डिफाइन किया था उसकी यू के साथ इनर प्रोडक्ट निकालने पर वैल्यू आ रही है जीरो अब हम निकालते हैं W का W के साथ में नोम W का W के साथ में नोम निकालते हैं पहले हम पहले वाली W की वैल्यू पुट कर देते हैं पहले वाली W की वैल्यू मतलब V माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V विद U इनटू में U अपॉन में नोम ऑफ U का स्क्वायर इसकी इनर प्रोडक्ट विद W करते हैं पहले क्या होगी V की W के साथ इनर प्रोडक्ट फिर माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू इंटू में यू अपॉन में नोम ऑफ यू का स्क्वायर स्क्वासकी इनर प्रोडक्ट होगी विद डब्लू इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद डब्ल्यू माइनस हमें पता है कि फर्स्ट वेक्टर के साथ में अगर कोई स्केलर मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज उसी फॉर्म में बाहर आ जाएगा तो बचेगा इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू अपॉन में नोम ऑफ यू का स्क्वा W. वी के W के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस वी की यू के साथ इनर प्रोडक्ट अपॉन में ऑफ का स्क्वायर इनटू में यू के W के साथ इनर प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी फर्स्ट एग्जाम थी इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कि किसी भी वेक्टर का अगर कोई वी आपको वेक्टर स्पेस दे रखा है तो उसके दो वैक्टर की इनर प्रोडक्ट हमेशा इक्वल आती है डब्ल्यू और यू के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के तो इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू की यू के साथ इनर प्रोडक्ट करके उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और हमने पहले ही निकाला है कि डब्ल्यू की जो यू के साथ में इनर प्रोडक्ट होगी वो जीरो होगी तो अगर ये इनर प्रोडक्ट जीरो है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो सिर्फ क्या बचेगा वी की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट वी की डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होगी अब सेकेंड डब्ल्यू वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि इक्वल होगी इनर प्रोडक्ट ऑफ सॉरी वी माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू इनटू में यू अपॉन में नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर यहां से आएगी वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद इनर प्रोडक्ट ऑफ वी विद यू इनटू में यू अपॉन में नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर वैल्यू आएगी वी की वी के साथ इनर प्रोडक्ट माइनस अब ये जो स्केलर वैल्यू है वो सेकेंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई है तो इसका हम बाहर यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में तो इसका निकलेगा बाहर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और बचेगा वी की यू के साथ इनर प्रोडक्ट v की v के साथ इनर प्रोडक्ट कोई भी वेक्टर की उसी के साथ इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है उसके नॉर्म के स्क्वायर के माइनस यहाँ पे है कि जब भी हम कोई वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मतलब कोई भी वैल्यू को वेक्टर नहीं कह सकते कोई भी वैल्यू को अगर उसके कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर बन जाता है तो यहां से बन जाएगा v और U के के इनर प्रोडक्ट मॉडुलस का स्क्वायर क्योंकि हमने यहां इस वैल्यू को इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रखा है अपॉन में नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर और ये किसके इक्वल चल रहा है डब्ल्यू का डब्ल्यू के साथ इनर प्रोडक्ट W सेम का सेम के साथ जो इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है उसके नोम के स्क्वायर के तो W के नोम का स्क्वायर इक्वल आ गया V के नोम का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ V एंड U के इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर अपॉन में नोम ऑफ U का स्क्वायर नाउ वी नो दैट नोम ऑफ एन ऑफ वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस Is always greater than equal to zero. कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के वैक्टर का जो नॉम का स्क्शा क्या होता है, positive होता है. Positive होता है इसका मीन पॉजिटिव है तो यह वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव होगी मीन नोम ऑफ वी का स्क्वायर माइनस मोडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद ऑफ यू का स्क्वायर यह भी ग्रेटर टू होगा जीरो

माइनस मॉडुलस ऑफ वी का यू के साथ इनर प्रोडक्ट और उसके मॉडुलस का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो वैल्यू आ जाएगी नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वी और यू के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर नाउ हमें पता है कि वी यू और वी का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V और U के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के पर अगर उसका मॉडुलस है मॉडुलस के अंदर हमेशा U और V के इनर प्रोडक्ट का जो मॉडुलस होता है वो इक्वल आता है इनर प्रोडक्ट ऑफ V और U के इनर प्रोडक्ट के स्क्वायर मॉडुलस के स्क्वायर के इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें चाहे ना करें आंसर सेम आएगा सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं है वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा कि अगर यू और वी का इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है वी और यू के इनर प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बट मॉडुलस के अंदर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कोई वैल्यू नहीं रहती मतलब आंसर सेम ही आना होता है चाहे कॉन्जुगेट करो चाहे ना करो तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू वी और यू के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस को लिख सकते हैं यू और वी के इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस मीन यू और वी के इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वेयर दोनों साइड स्क्र रूट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यू का नोम इन टू में वी का नोम ग्रेटर दैन इक्वल टू नोम ऑफ यू एंड सॉरी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी का मॉडुलस तो यहाँ से आ गया मॉडुलस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी इज लेस देन इक्वल टू यू का नोम इन टू में वी का नोम ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया दिस इज स्कोर्स कोश स्कोर्स इन